नमस्कार। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, नोटबंदी का। उसको 3 साल पूरे हो चुके हैं, वर्षगांठ है। अब हार्दिक शुभकामनाएं दी जाए या फिर बोला जाए कि एक मूर्खतापूर्ण वाला एक फैसला लिया गया, एक डिसीजन था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि आपको पता है, जहां आप काम कर रहे हैं, आप जिस तरह का माहौल आसपास देख रहे हैं, एक साल में जिस तरह की आपने डिबेट देखी है, जिस तरह से आप लोगों ने कमाई देखी है अपनी, वो सब मुझे आप अनुभव बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप दुकानदार हैं तो आप बेहतर तरीके से मुझे समझाएंगे। अब जाहिर सी बात है, ये फैसला लिया जा चुका है, इससे हमने क्या खोया, क्या पाया, इस पे बात करेंगे। और साथ ही उस पे बात करेंगे कि इतिहास में 2 बार पहले भी डीमोनेटाइजेशन जैसा एक फैसला लिया गया था, उस वक्त क्या हुआ था, इसको भी समझेंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, समझते इस शो में जिसका नाम है राइट न्यूज एनालिसिस RNA। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही नोटबंदी की हो, इससे पहले भी नोटबंदी 2 बार की जा चुकी है। अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो 3 बार ऑफिशियली नोटबंदी की जा चुकी है। 1946 इंडिपेंडेंस से पहले, 1978 स्वतंत्रता मिलने के बाद, अब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास अपना रच दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब 1946 में डीमोनेटाइज किए गए थे बड़ी बड़ी जो करेंसीज थी, जो नोट्स थे, 1000 का और 10000 की जो नोट थे, उनको डीमोनेटाइज किया गया, वो उस समय फेल हो जाता है। फेल होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि कॉमन पीपल का जो एक्सेस नहीं था, वो बहुत छोटे छोटे डिनोमिनेशंस यूज किया करते थे। अब होता क्या है, अब जो इन्होंने करेंसी बैन की थी उसको दोबारा से ये अर्थव्यवस्था में लेकर के आ गए 1954 में। 1954 में होता क्या है दोस्तों, जो 1000 का नोट इन्होंने बैन किया उसको रीइंट्रोड्यूस किया, 10000 का नोट इन्होंने बैन किया तो उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया, और साथ ही तीसरी बार इन्होंने 5000 की जो करेंसी थी उसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब नई करेंसी को लेकर के आए, वो अर्थव्यवस्था में चलने लगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 1934 में 500 और 1000 के नोट की जो करेंसी थी ये इंट्रोड्यूस होती है, और 1938 में 10000 के नोट की जो करेंसी थी वो इंट्रोड्यूस होती है। अब 1978 में सरकार बनती है मुरारजी देसाई की। अब उस सरकार ने भी सोचा कि हम भी कुछ एक ऐसा फैसला लें जो देश हित के अंदर हो। उन्होंने बोला कि ब्लैक मनी को अपनी जो इकोनॉमी है उससे बाहर कर देते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, उन्होंने डिसीजन ले लिया, बकायदा एक उन्होंने एक्ट लाए, एक्ट का नाम था हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स एक्ट। अब इसको बकायदा उन्होंने रेडियो पर आकर के इसकी घोषणा कर दी। तो उन्होंने जो 3 डिनोमिनेशन जो पहले थे, जो 1954 में इंट्रोड्यूस किए गए, इन तीनों को ही बंद कर दिया, यानी कि 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10000 के हाई डिनोमिनेशन वाले नोट को ही उन्होंने बंद कर दिया। अब उस वक्त के RBI गवर्नर जो थे IG पटेल, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उनका स्टेटमेंट यही था कि इस डीमोनेटाइजेशन से, इस नोटबंदी से बहुत फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक आदमी जो अपना ब्लैक मनी है उसको कैश में रखता नहीं। पहली बात, अगर कैश होता है तो उस कैश को बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखता है। ये आपका डीमोनेटाइजेशन है, जो आपकी नोटबंदी है, ये फेल होने वाली है। और हुआ क्या, हुआ वही। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था IG पटेल ने, उन्होंने कहा था कि जो फैसला लिया गया है डीमोनेटाइजेशन का, ये राजनैतिक फैसला है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यही बोला कि उन्होंने ये डिसीजन नोटबंदी का जो लिया गया है, जो अपोजिशन पार्टी है उनके फंड्स को इमोबिलाइज करने की कोशिश की गई थी। 2 बार डीमोनेटाइजेशन हुआ, दोनों बार फेल हो गया। अब बात करते हैं 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे TV पे आते हैं, एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं कि भैया आज के बाद आपका 500 का और 1000 का नोट आज से लीगल टेंडर नहीं है। अब देश के अंदर घबराहट, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप डरिए मत। अब देखिए, अभी प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू होता है, व्हाट्सएप से। अब व्हाट्सएप पे मैसेज घूमने लगे, देखिए जो कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि उस वक्त मीम को ही खबर मान लिया गया। ऐसा नहीं है कि आज के दिन भी, अगर आप देखेंगे कई लोग से बातचीत मेरी होती है, जो मीम्स आते हैं ना उसको ही खबर मान लेते हैं। मीम में क्या दिखाते हैं कि देखो इतना बड़ा उद्योगपति आज पहली बार रो रहा है। अब उन बेचारों से जाके पूछो तो सही, अब असली में नुकसान किसको हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि व्हाट्सएप पे उस तरह का प्रोपेगेंडा चलने लगा, आसपास में वो बात चलने लगी, ध्यान भटकाने की कोशिश करने चलने लगी, अब नोट में चिप लगेगी उस पर बातचीत होने लगी। बहुत बड़े बड़े एंकर ऐसी ऐसी बातें अपने फेसबुक लाइव में कर रहे थे। तो इसी प्रोपेगेंडा के चलते होता क्या है, लोगों को ये एहसास हो गया कि हाँ आज ऐसा है, पहली बार हुआ है कि देश में अमीर रो रहा है और गरीब हंस रहा है, इस प्रोपेगेंडा में हो गए। अब मोदी जी ने देखा कि जो स्थिति है वो बद से बदतर होने जा रही है, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा नहीं रहा,
ये फेल रहा डीमोनेटाइजेशन, मैं बताऊंगा कैसे। अब होता क्या है, वो कहते हैं अपना विदेश यात्रा करके आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो आकर के एक भाषण देते हैं, कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए, देश के जिस चौराहे पे अगर आप लागे खड़ा करना चाहो मैं खड़ा हो जाऊंगा, अगर आपको लगे कि डिसीजन मेरा गलत था, मेरा फैसला गलत था। उन्होंने साफ बोला, अब किसने खबर ली किसने खबर नहीं ली, अब ये तो खैर आज हम देखने की 2019 का चुनाव वो जीत चुके हैं। सवाल ये है कि डीमोनेटाइजेशन से हमें आखिर हासिल क्या हुआ। डीमोनेटाइजेशन होने के बाद 500 का और 1000 का नोट जब बैन किया जा रहा था तो मोदी जी ने 3 शब्द बोले कि वो ब्लैक मनी को बाहर करना चाहती है, करप्शन को बाहर करना चाहती है और साथ ही जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसको खत्म करना चाहती है। अब इन तीनों की पोल पट्टी महीनों के अंदर खुल गई, कुछ नहीं हुआ, तीनों ही धड़ाधड़ चलते जा रहे हैं और आज कश्मीर में हालत आप देख सकते हो क्या है। अब दोस्तों देखिए, डीमोनेटाइजेशन होने के बाद होता क्या है, 15 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा ही अमाउंट होगा जो लौट करके बैंक के अंदर आ जाता है। 10,720 करोड़ रुपया वो था जो लौट करके बैंक के अंदर नहीं आया। उस वक्त होता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.7% जो काला धन था वो लौट करके नहीं आया। अब देखिए, मैं अब इस बात पे सरकार के लिए मैं क्या बोलूँ, प्लानिंग नहीं थी, एग्जीक्यूशन नहीं था, आपको पता था कि इतना बड़ा आप डिसीजन ले रहे हैं, सो इकोनॉमी आपकी एक बार में कहां से कहां पहुंच जाएगी और पहुंच भी गई थी। अब देखा मैनेजर पे आप डाल रहे हैं कि मैनेजर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो सिंपल सा जवाब तो यही था ना कि भैया आपने प्लानिंग किस तरह से किया, एग्जीक्यूशन किस तरह से किया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, उन्होंने बोला है कि अपने ब्यूरोक्रेट से कि भैया आपने मेरे 5 साल बर्बाद करवा दिया, अब मैं बर्बाद इसको नहीं होने दूंगा। अब देखिए 18-18 घंटे उन्होंने क्या क्या काम किया। अब ब्यूरोक्रेट को कह रहे हैं कि आपने मेरे 5 साल बर्बाद कर दिया, और यही वही है प्रधानमंत्री हैं जो 18 घंटे काम करते थे। अब देखिए डीमोनेटाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब 0.7% ही ब्लैक मनी था जो आपने फ्लश आउट कर दिया हमारी अर्थव्यवस्था से, तो मैं क्या बोलूँ, खड़ी फसल में आपने आग लगा दी, मतलब चूहे को पकड़ने के लिए आपने खड़ी फसल में आग लगा दी। अब सरकार ने उम्मीद की थी कि लगभग जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो काला धन है वो कुछ 3 लाख करोड़ के आसपास वो धन होगा जो बैंक के अंदर लौट के नहीं आएगा, लेकिन वो भी लौट करके आएगा। डीमोनेटाइजेशन यहाँ फेल हो जाता है। सरकार का दूसरा ये था कि हम करप्शन को दूर करेंगे। अब भैया करप्शन तो दूर हुआ नहीं, हमने देखा कि कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ 10,000 करोड़ रुपए खर्चे गए थे इलेक्शन में। आज सुबह मैंने आपको रिपोर्ट बताई है, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें बताया मैंने कि आपको कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव में 4-6 विधानसभा लोकसभा की इन्होंने सीट दी थी कि 820-850 करोड़ के आसपास खर्च किया है कांग्रेस ने, और बीजेपी ने कितना खर्च किया है। अब ये डाटा बीजेपी ने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन भाई लोकसभा में महुआ मोइत्रा, नाम याद होगा आपको, नहीं है तो गूगल कर लीजिए, उन्होंने एक कहा था कि एक ऐसी पार्टी है जिसने अकेले ही 40-45 या 50 हजार करोड़ के आसपास अकेले दम पे खर्च किया है। अब दोस्तों इन्होंने बोला कि काला धन, अब काला धन अगर नहीं होता हमारी अर्थव्यवस्था में तो कर्नाटक के चुनाव तो अपनी नोटबंदी के बाद ही हो गए थे। अच्छा, नोटबंदी के बाद तो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, वो तो आपने जीत लिए, क्योंकि यहाँ तो कैसे किस तरह से चुनाव होते हैं वो आपको पता थे तो आप जीत गए। अब मुझे एक चीज बताइए, जब अर्थव्यवस्था में काला धन है ही नहीं, कम है, तो इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है, सवाल ही बहुत बड़ा है। अब तीसरा पॉइंट था कि टेरर फंडिंग, अब जो हवाला का जो रूट है वहाँ सब बर्बाद हो गया। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद, हाँ कुछ महीने तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही वहाँ से हमने देखा कि घुसपैठ हो रही है और अपना आतंकवादी जो करना था वो काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को लगा कि हम फेल होते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सरकार ने बोला कि अब हमने जो नोटबंदी की थी वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा करने के लिए दी थी। अब डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के सरकार ने नोटबंदी की थी, अब इन्होंने ऐसा बोला, हुआ क्या कि हाँ उस समय जब नोट आपके पास नहीं थे तो उस वक्त उस टाइम पीरियड में सरकार ने योजना चलाई, उन्होंने बोला कि अगर आप बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर आपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, सरकार आपको कैशबैक देगी। मुझे भी 1,000 रुपए मिले थे, तो उस टाइम पीरियड पे जब पीक टाइम था डीमोनेटाइजेशन का, उस वक्त देखा जाए तो डिजिटल पेमेंट उस समय बहुत ज्यादा हुए थे और आज हो भी हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा हुए थे। उसके बाद से हमने क्या देखा, एक शार्प डिक्लाइन देखा है कि लोगों के पास जब कैश आना शुरू हो गया तो उन्होंने कैश को ही महत्व दिया, ना कि उनको डिजिटल पेमेंट की तरफ वो लोग गए। डिजिटल पेमेंट ऐसा नहीं है कि ना के बराबर हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो कैश है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा घूम रहा है। डीमोनेटाइजेशन के वक्त 15 लाख था, 2018 में कुछ 17-18 लाख हो गया। अब देखिए 2019 में 20.49 लाख करोड़ का कैश हमारी अर्थव्यवस्था में घूम रहा है। इसका कंपैरिजन अगर 2018 से मैं करूं, जो कैश था वो 18% के आसपास, मतलब कि हाइक है। डिजिटल पेमेंट से फ़ायदा क्या होगा,
डिजिटल पेमेंट से फायदा यही होगा कि आपकी हर एक ट्रांजैक्शन पर नजर आपकी सरकार की रहेगी। तो एक तरह से पैसे चोरी होने की, टैक्स ना देने की, सारी सब प्रॉब्लम्स है ना, वो सब आउट हो जाएंगे। अब कैश आपके हाथ में होता है, किस तरह से आता, कहां जाता है, वो सरकार को नहीं पता चलता है। देखिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं, डिजिटल पेमेंट की जब बात हो ही रही है यहां पे, तो मैं आपको उस बात का भी जिक्र बताता हूं, सेक्शन 7 वाला, जो इतिहास में आज तक लागू नहीं किया गया, जो कि कंट्रोल देता है एक तरह से, एक हस्तक्षेप करता है आरबीआई के वर्किंग में, उसके काम में। अब देखिए, डिजिटल पेमेंट को लेकर कॉन्स्पिरेसी हुई थी। आरबीआई के गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर, जिसको बीजेपी की सरकार ही लेकर के आई थी, उन्होंने साफ साफ मना किया कि आप डिजिटल पेमेंट का जो अपने पास रेगुलेटरी रखना चाहते हो, अपनी कमेटी के पास ही इसका लेखा जोखा रखना चाहते हो, तो आरबीआई को इसमें मंजूर नहीं है। इसको लेकर के बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। सेक्शन 7 को लागू कर दिया गया, सरकार का हस्तक्षेप रहेगा आपके डिसीजन में, तो ये सब चीज़ें होने लगी थी। तो बहुत बुरा हाल हो रखा था। उन्होंने भी समय से पहले रेजिग्नेशन दे दिया। अब जो रघुराम राजन थे, उन्होंने अपने टेन्योर को रिन्यू नहीं किया, उन्होंने भी रिज़ाइन ही कर दिया था। तो एक बहुत बुरा हाल चल रखा था। अब नोटबंदी हो जाती है, नोटबंदी के बाद होता क्या है, जितना भी आपका जो फॉर्मल सेक्टर था वो ठीक चल रहा था, चल भी रहा है अभी भी, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर था, जो 83.9% जो एम्प्लॉयमेंट देता है, वो तबाह हो गया एक बार में। इसका असर हमें तुरंत नहीं दिखाई दिया, उसका असर हमें आज और अब दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि जिस वक्त डीमोनेटाइजेशन किया था, उस वक्त 105 लोगों की मौत हुई थी। आज पीएमसी बैंक में क्या हो रहा है, पैसा खुद का नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 10 लोगों की मौत हो चुकी है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, खाने के दवाई के लिए पैसे नहीं है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। उसी वक्त ऐसे ही नोटबंदी में खड़े खड़े लोगों को हार्ट अटैक आए थे, मर गए थे, पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस वक्त भी। अब देखिए, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो इनफॉर्मल सेक्टर था पूरा बर्बाद हो गया, 15 लाख लोग एक बार में ही उनकी नौकरी चली जाती है, और वही चीज़ आज भी चल रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन मोदी सरकार की एक बात मुझ पर तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बेरोजगारों को महसूस नहीं होने दिया कि आप बेरोजगार हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से मैनेज किया है कि 2019 के इलेक्शन के चुनाव में भी उन्हें भी वोट देकर के काफ़ी अच्छे से जिता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, डीमोनेटाइजेशन जो हुआ है, अब इकोनॉमिक स्लोडाउन से आप इसको जोड़ के देखिए, इकोनॉमिक स्लोडाउन भी डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, जो बहुत बड़े बड़े फैसले थे, गलत टाइमिंग पे जो उन्होंने इंप्लीमेंट किए, गलत तरीके से जो इंप्लीमेंट किए, उसका भुक्तभोगी आज भारत बनता जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2008 का अगर आप उठाकर देखेंगे, आप भी 2008 में खुद महसूस किया होगा, उस समय जब एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उस वक्त आपको महसूस नहीं हुआ था, उस मंदी की मार भारत में नहीं थी, क्योंकि भारत की जनता के जेबों में पैसे थे। अब जो हमारे जेब में पैसे थे, अब वो पैसे लेकर अपने बैंक में रखवा दिए, बैंक से नीरव मोदी और विजय माल्या जी लेकर भाग गए। अच्छा, विजय माल्या जी जब देश छोड़ के भागते हैं, तो बीजेपी वालों का रिस्पांस देखिए, क्या एक्सक्यूज है। उन्होंने बोला कि हमने तो पकड़ने की कोशिश की, बस वो टाइपिंग एरर हो गया, कि विजय माल्या जी को रोका नहीं जाए बल्कि उनको छोड़ दिया जाए। ये कैसे हो गया, ऐसे बच्चों वाली इन्होंने एक्सक्यूजेस देना शुरू किए थे। तो ये बात होगी डीमोनेटाइजेशन की। अब डीमोनेटाइजेशन से हुआ क्या, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, सब आपके पास है, दुकानदार है, सब समझ जाएंगे। मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूं, अभी कुछ महीने भी नहीं, दिन ही गुजरे हैं कि फेस्टिव सीजन का, जीएसटी का एक डाटा आता है कि इसी पिछले साल अगर देखा जाए, इसी महीने में, मतलब फेस्टिव सीजन पे, जो जीएसटी कलेक्शन था वो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन इस बार इस फेस्टिव सीजन में मात्र 95,000 करोड़ रह जाता है, इतना कम हो जाता है। अब आपको मैं एक डाटा देता हूँ, वो डाटा दे रहा हूँ मैं आप, वो डाटा है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर। उसने साफ तौर पर बताया है कि जो फेस्टिव सीजन में सितंबर से और अक्टूबर में जो सेल्स हुई दुकानदारों की, बेहद कम रही हैं, यानी कि उनकी सेल्स 40% ज़्यादा है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े दुकानें हैं, जो बड़ी बड़ी मॉल्स हैं, लोगों का आना जाना भी बहुत कम हुआ है, वो कितना, 60% कम हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, ये आप हमारी भारत की सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब आपको बताता हूँ, इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद जी, जो अभी हवा हवा में जीत गए, हवा हवा मतलब मोदी जी की हवा में जीत गए, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि देश में ये आर्थिक मंदी नहीं है, तो वैचारिक मंदी थी। अब देखिए, उन्होंने बोला कि आर्थिक मंदी नहीं है, क्योंकि अभी 2 अक्टूबर को उन्होंने आपको 1 अप्रैल बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भैया देखो, 2 अक्टूबर में 3 मूवी रिलीज होती हैं, 120 करोड़ रुपये कमाई की है, तो कहाँ पर मंदी है, मंदी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा, 2 अक्टूबर को 3 बहुत बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, अलग अलग भाषाओं में होती हैं, अलग अलग पर्दों पे होती हैं, तो उस समय छुट्टी भी थी। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि 3 बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े हीरोज़ की, स्टार की रिलीज़ हो, उस वक्त 120 करोड़ रुपए कमाए,
लेकिन ये आधी खबर है। अब इसको देखा जाए 2019-20 का अगर आप जीडीपी देखेंगे, जो एक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि हाँ इतना कंजम्पशन होगा, इतने रुपए तक का होगा, जो पूर्वानुमान लगाया गया था 2019-20 में, तो वो था 1.25 लाख करोड़ का होने वाला है कंजम्पशन हमारे भारत में, जो बताया गया है। अगर पर डे कैलकुलेशन देखेंगे तो 34,250। अब मूवी ने 120 करोड़ रुपए कमा भी लिए तो कितना परसेंट हो गया? ये तो 0.4% भी नहीं हुआ। अब कई लोग बुद्धिजीवी अपने व्हाट्सएप पे दिखाते रहते हैं कि अगर मंदी होती तो मुझे आप बताइए कि जो MG हेक्टर है उसकी 6,000 गाड़ियां कैसे बिक जाती हैं। उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूं। इसका कंपैरिजन जरा करके देखिए, पिछले साल के और इस साल की कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो 30% का देखा जाए तो डिक्रीज है। 2018 में 11.7 लाख गाड़ियां बिकती हैं और वहीं इसी साल का अप्रैल टू सितंबर देख लीजिए, मात्र 8.15 लाख गाड़ियां मिलती हैं। इनका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 3.55 लाख का डिफरेंस निकलता है, यानी कि 30% इसका सेल्स डाउन रहा है। आपका जवाब मिल गया होगा। और साथ ही एक और बहुत अच्छी बात बोली जाती है, बोला जाता है कि ये मंदी नहीं है, अगर मंदी होती तो ये महंगी महंगी गाड़ियां क्यों बिक रही होती। धनतेरस पे मर्सिडीज कार की सेल्स बहुत ज़्यादा हुई है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो तबका इस गाड़ी को खरीदता है क्या उस पर इस आर्थिक मंदी का कुछ 1.1% भी असर होता होगा? वो तो खरीदेंगे, उन पर कोई पास असर नहीं होने वाला। असर हमें और आप जैसे लोगों को हो रहा है और हो भी रहा है। अब दोस्तों इन सबको देखते हुए क्रेडिट एजेंसी जो मूडीज है उसने भारत की जो आउटलुक को बदल करके नेगेटिव कर दिया, यानी कि कर्ज देने की जो क्षमता है उसको नेगेटिव कर दिया है। देखिए दोस्तों, गांव में जॉब्स नहीं है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है, कुछ लोग खरीद नहीं रहे हैं। अब देखिए अब ये हाल हो चुका है। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं था तो मैं क्या बोलूं? अगर नोटबंदी डिजास्टर था तो मुझे आप लाइक दे दीजिए। अगर आप बहुत बड़ा और अच्छा डिसीजन था और बहुत दीर्घकालिक में इसके परिणाम निकल करके आएंगे तो हम दीर्घकालिक और देख लेते हैं भैया, 30-40 साल तो हम भी जी लेंगे, तब तक देखते हैं परिणाम निकल के आएंगे, क्योंकि 2-4 जनरेशन तो आपको इस डिसीजन के लिए बहुत याद करेगी। जय हिंद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, और साथ ही INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए, मुझे आप सपोर्ट कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।